लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लग सकता है, ये कहा जा रहा है। पार्टी के कई सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसी पार्टी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जानकारी जो ऊपरी तौर पर मिल पा रही है, बीएसपी के कुछ सांसद बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलनी बस बाकी है। अब वो कौन कौन से सांसद होंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये ऊपरी तौर पर जानकारी है। अभी आपको जानकारी देते चले बता दें आपको, लोकसभा चुनाव होने हैं और इसी में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। हर एक पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने को आतुर है। और उधर बीएसपी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मायावती अक्सर ये अपने भाषण में या फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती हैं कि हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बीएसपी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने के लिए सक्षम है, ये कहती हैं खुद मायावती। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है, जो खबर आ रही है, बीएसपी को झटका लग सकता है चुनाव से पहले, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सांसद ऐसे हैं बीएसपी के जो बीजेपी के संपर्क में हैं। पार्टी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बीएसपी के कुछ सांसद बीजेपी में जल्द ही शामिल भी हो सकते हैं, जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से सिर्फ और सिर्फ मंजूरी मिलनी बाकी है, उसके बाद में वो सभी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बड़ा झटका मान सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज सभी पार्टी की ओर से हो चुकी हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियां लगातार चल रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसमें लगातार फूट की बात सामने आती रहती है, और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो अकेले ही चुनावी मैदान में है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती है कि हम चुनावी मैदान में हैं और हमारी जीत होगी। उधर बीएसपी है, जो कि ये कहती है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीएसपी के बहुत से सांसद, यानी कई सांसद, बीजेपी से कॉन्टेक्ट में हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, और कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखना है कि आखिर कितने वो सांसद हैं और कौन कौन है, और इसी चुनाव से पहले ये कितना बड़ा झटका बीएसपी के लिए हो सकता है, ये देखना होगा। तो पार्टी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सांसद बीजेपी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसपी के लिए ये बड़ा झटका होगा लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन ये देखना होगा कि कितने और कौन कौन से सांसद जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की सिर्फ और सिर्फ परमिशन चाहिए, सिर्फ मंजूरी उधर की तरफ से मिलनी बाकी है, कभी भी बीएसपी के सांसद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीएसपी के सांसदों को भी अपना भविष्य बीजेपी में नजर आ रहा है। प्रणय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी वही देंगे आपको। प्रणय, लोकसभा चुनावों की तैयारियां पार्टियां कर रही हैं, बीएसपी लगातार ये कहती है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। अब लोकसभा चुनाव सर पे है, ज्यादा समय नहीं है। अब इससे पहले, तुरंत ही पहले, प्रणय, अगर पार्टी से कई सांसद बीजेपी के कॉन्टेक्ट में जो बताए जा रहे हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको कितना बड़ा झटका मान सकते हैं? इस खबर की किस प्रकार से पुष्टि हो रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर मिल पा रही है? प्रणय, बिल्कुल, देखिए कंचन, निश्चित तौर पर ये बीएसपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीएसपी अपनी जड़ों को काफी हद तक खो चुकी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हमने विधानसभा चुनाव भी देखा है, हमने लोकसभा चुनाव भी देखा है। ऐसे में अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कंचन की पार्टी में कई मौजूदा बीएसपी के सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई है। प्रदेश नेतृत्व से ये बात केंद्रीय नेतृत्व तक जा पहुंची है और केंद्रीय नेतृत्व जल्दी इस ओर फैसला भी लेने जा रहा है। जानकारी कंचन ये सामने आ रही है कि करीब अभी जो ज्वाइनिंग होगी वो दो सांसदों की हो सकती है, उसके बाद बाकी सांसदों के बारे में पार्टी विचार करेगी। ये वो सांसद हैं जो अपने क्षेत्र में एक अच्छा रसूख रखते हैं, दबदबा रखते हैं, उनका जनाधार मौजूद है, उन्हें पार्टी में शामिल किया जा सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक एक करके अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश बेहद अहम राज्य है, जहां से 80 लोकसभा सीट आती हैं
और वहां पर हर एक सीट पर पार्टी ना सिर्फ सर्वे करवा रही है मौजूदा सांसदों का, अपने सांसदों का, बल्कि वहां पर विनेबिलिटी चेहरे को भी खोज रही है। तो उस लिहाज से भी ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि ये जो ज्वाइनिंग है वो आखिर कब तक हो पाती है। और कंचन, हमें हमें ये भी ध्यान है कि दूसरी तरफ आरएलडी का भी जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज है कि आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है इस लोकसभा चुनाव के लिए। तो बीजेपी अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, और दूसरे दलों के मजबूत चेहरों को भी साथ लेने में वो गुरेज नहीं कर रही है, और जल्द ही इस ओर जो कदम है वो भी उठते हुए दिखाई देंगे, फिर वो चाहे बसपा के हों या आरएलडी के जयंत चौधरी के हों। प्रणय, दो सांसदों का आप जिक्र कर रहे हैं कि फिलहाल दो सांसदों की जानकारी मिल रही है, वो कौन कौन से सांसद हो सकते हैं? क्या कुछ नाम उनके कुछ समझ आ रहा है कि कौन हो सकते हैं, कुछ अंदाजा? देखिए, हमारी वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है और फिलहाल उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने ये बात जरूर कही है कि ये जो सांसद हैं वो लोकसभा से ताल्लुक रखते हैं, लोकसभा के चुनाव जीते हुए हैं, अपने इलाके में उनका अच्छा खासा रसूख है, यानी पैराशूट उम्मीदवार नहीं है। जिस तरीके से देखा जाता है कि लहर होती है और कई पैराशूट उम्मीदवार भी जीत जाते हैं, ये जमीनी नेता हैं जो जो अपने इलाके में अच्छा नाम रखते हैं, पैठ रखते हैं, उन पर विचार चल रहा है। और अभी दो नाम सामने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस बार उत्तर प्रदेश से सीटें वो जीत सके, और यही वजह है कि ये जो प्रक्रिया है वो होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रणय, अभी फिलहाल चाहे डिस्क्लोज ना हुए हो नाम, लेकिन बहुत जल्द, इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं क्योंकि चुनाव सर पर है और पार्टी को मेरे ख्याल से जल्दी ही फैसला लेना होगा, देखना होगा कि कौन कौन से सांसद रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।